दोस्तों पहला पॉइंट है, जैसे ही हमारी पावर बैंक फुल चार्ज हो जाए तो जल्द से जल्द हमें चार्जिंग से हटा देना चाहिए, क्योंकि कुछ पावर बैंक के सर्किट में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन ठीक से नहीं होती और ये ओवरचार्जिंग पावर बैंक की लाइफ को कम करती है। दोस्तों सेकंड है, हमें अपनी पावर बैंक को गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सर्किट जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है गिरने से, और पावर बैंक शॉर्ट भी हो सकता है, और पावर बैंक अगर शॉर्ट होगा तो इसकी जो लाइफ होगी इस पर काफ़ी इफेक्ट आएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, पावर बैंक को चार्ज करने के लिए हमेशा हमें एक अच्छी यूएसबी केबल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये पावर बैंक को हमेशा एक नॉर्मल टाइम में चार्ज कर देगी और किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग या शॉर्टिंग इससे नहीं होगी। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि हमें अपनी पावर बैंक को पॉकेट या बैग में रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि पिन या पिन का टुकड़ा, ये सब चीज़ें जो है उसके साथ में नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों इसको अगर मेटल ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं तो हमारे पावर बैंक के यूएसबी आउटपुट में जा करके इनको ये शॉर्ट कर सकते हैं और पावर बैंक सर्किट जो है हमारा डैमेज हो सकता है। दोस्तों फिफ्थ है, अगर आपके पास पावर बैंक है और आप उसे कम यूज़ करते हैं या फिर यूज़ ही नहीं करते, तो भी आप उसे महीने या दो महीने में चार्ज ज़रूर करते रहें, क्योंकि पावर बैंक के सेल की चार्जिंग कैपेसिटी इससे बरकरार रहती है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिक्स पॉइंट है, अगर आप पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं और उसी समय आप पावर बैंक से भी कोई डिवाइस चार्ज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिवाइस को आपको अलग से चार्ज कीजिए जब पावर बैंक हमारी पूरी चार्ज है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि जो बैटरी की हेल्थ पे होता है बुरा असर पड़ता है और इससे वजह से इसकी लाइफ जो होती है कम हो जाती है। दोस्तों सेवन पॉइंट है हमारा कि पावर बैंक को हम हमेशा एक कम्फर्ट जोन में रखना चाहिए, मतलब उसे करीबन 5 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर के नहीं रखना चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम इसको इसके आसपास के टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। दोस्तों इससे ये होता है कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है कि बैटरी के जो सेल होते हैं उसकी लाइफ पे जो होता है बुरा असर पड़ता है। दोस्तों एट पॉइंट है हमारा कि हमें अपनी जो पावर बैंक है उसको ओवरहीटिंग से बचाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम अपनी बैटरी को कभी हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर चार्ज करते हैं या अपनी डिवाइस को भी पावर बैंक से चार्ज करते हैं, या फिर हम कभी कभी पावर बैंक से ऐसे डिवाइसों का आउटपुट लेते हैं जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज की होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी पावर बैंक होती है वो काफ़ी हीट अप होने लगती है और जिससे इसकी बैटरी पे की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो दोस्तों इससे इसकी लाइफ भी होती है डिक्रीज होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ 8 टिप्स जिनको ध्यान में रख करके आप अपनी पावर बैंक की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको और ही मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।